सरकार अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर जहां लगाम लगाने की बात कह रही है, वहीं खनिज मंत्री के गृह जिले में जमकर अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण का कार्य चल रहा है। ताजा मामला क्योंटी कैनाल के निर्माण कार्य में लगी कंपनी का है, जो नहर खुदाई के दौरान निकले कीमती पत्थर को बेचकर अपनी तिजोरी भर रहा है। क्योंटी कैनाल के निर्माण कार्य का ठेका सद्भाव इंजीनियरिंग नाम की कंपनी को दिया गया है, जो इन दिनों महसाव, गोरगी, रहटा, सिलचट क्षेत्र में कार्य कर रही है। इसके द्वारा खुदाई के दौरान निकले खनिज संपदा को खुलेआम बाजार में बेचा जा रहा है, जबकि ना तो इसके द्वारा खनिज विभाग से किसी प्रकार की परमिशन ली गई है और ना ही विस्फोटक करने के लिए कोई परमिशन है, फिर भी कंपनी के द्वारा विस्फोटक कर खुदाई का कार्य किया जा रहा है। इतना ही नहीं, पूरे क्षेत्र में बड़े बड़े भंडार बनाकर इसको बेचा भी जा रहा है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि जब विस्फोट किया जाता है तो पत्थर उनके घरों तक पहुँचते हैं, वह कंपनी के द्वारा पानी का छिड़काव भी नहीं करते, जिसके चलते आसपास के रहने वाले लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। अगर कोई विरोध करता है तो पुलिस को बुलाकर धमकाया जा रहा है। लास्ट कल हुई थी तो यहाँ पर नहीं हुआ है कुछ भी। वहाँ वो पुराने घर में कल अठमान चढ़ रहा था, वहाँ हमारी जेठानी थी, तो वहीं पर एक इतना बड़ा छोटा सा उत्का है। बच्चे नहीं, गोद में लिए थे, छोटी बच्ची है। पूरे मामले में खनिज अधिकारी एसएन पांडे ने कहा कि स्थानीय लोगों ने शिकायत की है, जिस पर मेरे द्वारा खनिज निरीक्षक को भेजकर दो डंपर जब्त किए गए हैं। जल संसाधन विभाग से आवश्यक दस्तावेज मांगे गए हैं, जैसे ही प्राप्त हो जाते हैं कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर जिले में क्योटिंग नहर निर्माण कार्य प्रगति पर है, इसमें सद्भाव इंजीनियरिंग को ही कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। इस संबंध में और भी शिकायतें प्राप्त हुई थी, इस संबंध में हमने कार्यपालन यंत्री जलसंघ विभाग से भी सब जानकारी प्राप्त की जा रही है। अभी हमारे इंस्पेक्टर के द्वारा दो ट्रक इस संबंध में बिना अधिकृत परिवहन पास के पकड़े गए थे, जिनमें हमने कलेक्टर महोदय के साथ उनको दंड भी लगाया हुआ है। उनकी कंपनी के द्वारा प्रेजेंटेशन किया गया है, जब जो स्थिति उनकी उनसे प्राप्त होगी और कंसर्न डिपार्टमेंट से, उसके बाद ही वैधानिक कार्रवाई होगी।